ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्यों सिखाता हूँ कि एटीट्यूड, ईगो, ये सब हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं। कोई हमसे थोड़ा सा, हमने उसको बुलाया, उसने देखा भी नहीं, तो हम क्या बोलते थे, बड़ा एटीट्यूड है। क्या है बड़ा एटीट्यूड? अब मैं एटीट्यूड के कुछ फायदे बताता हूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड के फायदे क्या होते हैं? कभी भी कोई भी इंसान आपको बुलाए, ध्यान से बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी कोई भी इंसान आपको बुलाए तो रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। पहला रिएक्शन, किसी ने आपको बुलाया, नाम लेके बुलाया, ऐसे कुछ भी सुनो या नाम लेके, तो पहला इंसान तो क्या होता है, हाँ बोलिए, क्या बोलते हैं, तुरंत मैंने आपको बुलाया तो आप तुरंत बोले हाँ बोलिए, क्या मतलब, आपने सेकेंडों में रिस्पॉन्स दे दिया। जो इंसान जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है उसकी वैल्यू कम होती है। लिसन, बिल्कुल सुनते जाइए आप, यहाँ से मैं आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैग्नेटिक होने वाली है, आप बिना बोले भी सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो। मैं बार बार ये बात आपको बताता हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपने किसी को बुलाया, उसने सेकंडों में रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब सुन लिया, मतलब आपकी वैल्यू कम रहेगी। दूसरा, उसने आपको बुलाया तो थोड़ा सा आपने मुड़ के देखा, फिर वापस आपने उसकी साइड देखा तो, लेकिन आपने थोड़ा देखा और वापस अपनी सिचुएशन में, सामने वाला देख के सोचेगा कि उसे कंफ्यूजन हुआ है, इसे फिर से बुलाना चाहिए, तो सामने वाला फिर से कोशिश करेगा बुलाने की। तो आपको क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, धीरे से हाँ बोलिए। अगर आपकी वॉइस कैसी है, स्लोली, स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब लाउडली नहीं होनी चाहिए, हाँ बोलिए, चिल्ला के नहीं, स्लोली हाँ बोलिए। अगर आप स्लोली बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक होने वाली है, मतलब आप आकर्षित होने वाले हैं। तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो सामने वाले के पास आपकी एक वैल्यू भी बन जाएगी, लेकिन आपने सेकंड बार में रिस्पॉन्स दिया। लेकिन इसको गलत यूज भी नहीं कर लेना कि घर पे अगर मम्मी ने बुलाया बस देख के ऐसा कर दिया तो पता है क्या होने वाला है। कुछ जगह होती है ऐसी जहाँ पर आपको ये चीज़ें यूज करनी है, हर जगह पर हर बात सेट नहीं होती है, भी ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोल दूंगा आपको नेवर गिव अप, कि आपको कभी नहीं हारना है, वो पता चला आप पापा मम्मी से लड़ रहे हो, हार नहीं है। तो हर चीज़ हर जगह पे लागू नहीं होती है, टर्म्स ऑफ कंडीशन, समझ रहे हो ना, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज करनी है। आप स्ट्रेंजर कोई बुला रहे हैं, कई बार क्या होता है रोड पे निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने हमें बुलाया, सुनो, नाम भी नहीं लिया, सुनो, तो हमें ऐसा लगता है हमें बुला रहे हैं, कैसा लगता है हमें बुला रहे हैं। तो कई लोग तो इतने झुकके से देखते हैं कि पता नहीं ट्रेन छूटी जा रही है, इतने जल्दी से देखेंगे, पता चला आगे गाड़ी ठोक दे, मतलब कोई किसी को बुलाता है ना तो एकदम से हम रिस्पॉन्स दे देते हैं सामने वाले को, तो हमें जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देना है। एक अच्छा तरीका क्या होता है, सामने वाले को थोड़ा सा देख लो, हो सकता है किसी और को भी बुला रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग सब लोग बैठे हैं और किसी नाम भी नहीं लिया, सुनो बोला है, तो सब लोग देखने लगेंगे। तो क्या करो, रिस्पॉन्स दो लेकिन थोड़ा एक बार देख लो, पहली बार में हाँ मत दो, रिस्पॉन्स देना है लेकिन देर से देना, समझ गए। अगर आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाना है तो ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मैंने स्टेज पर बुलाया था आप लोगों को, तो कुछ लोग आए थे, आप लोग भी नहीं थे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम स्टेज पर बुलाते हैं मान के चलो मुझे पोडियम पर बुलाना है यहाँ पर और यहाँ से आपका इंटरव्यू लेना है, तो आप कैसे आते हो, तो कई लोग आ रहे थे तो ऐसे खड़े होते हैं, कई लोग खड़े हुए थे राइट, कई लोग ऐसे खड़े हुए थे, कई लोग ऐसे खड़े हुए थे, मतलब सबके तरीके अलग अलग थे। सबसे बेस्ट तरीका क्या था वो मैंने आपको बताया था, दो तरीके से आप खड़े हो सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल स्पीड में जाइए भाई, अपने हिसाब से माइक को सेट कर लीजिए, एक बार माइक को सही से सेट कर लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी झुकनी नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा नॉर्मल रहें और आपकी जो हाथ है वो यहाँ पर होनी चाहिए, अगर पोडियम पर खड़े हैं तो, अगर आप बाहर ही होते हैं तो पता है आपको ओपन बॉडी, आपको हैंड मूवमेंट काम करना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाथ चला रहे थे, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, हैंड मूवमेंट यूज कर रहे थे, बट नीचे चला रहे थे, नीचे हाथ नहीं आपके चले, यहाँ पर चले थे, यहाँ पर कि कोई भी आप चीज एक्सप्लेन कर तो आप यहाँ पर हाथ को चला सकते हैं, कभी भी नीचे हाथ ही नहीं करना। लेकिन अगर आपको हाथ लिफ्ट नहीं करना है तो आप उसको ऐसा एक पांव को आगे ऐसे करके खड़े होते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब भी आप ऐसे खड़े होते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, कोई भी काम करना है तो पहले कॉन्फिडेंट ही चाहिए, आप ऐसे खड़े हुए फिर आप बात कर सकते हैं नॉर्मल। एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी, कई बार अपन लोग कन्वर्सेशन में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं तो बैठ के हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठे बैठे में हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं, देखा आप लोगों ने,
ऐसी उंगलियां चलाते हैं। अगर आप ऐसी उंगलियां चला रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और कुछ सोच रहे हैं, पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरे लोग क्या होते हैं कि बैठ के इसे पाँव हिलाने लगते हैं आपका, आप लोगों ने देखा होगा, करते भी होंगे, ऐसे बैठ के ऐसे 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 पाँव हिलाते हैं मतलब कई लोग अगर फ्री है तो ऐसे भी करते रहेंगे, कई लोग बैठ के क्या करेंगे ऐसे हाथ चलाते हैं। अब ये चीज़ें मैं क्यों बता दी, ये होता है अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। अगर आपको उस सिचुएशन में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आपका, तो आप कुछ ना कुछ करोगे, आपका दिमाग है ना कुछ करवाएगा, आप या तो हाथ चलाएंगे फालतू में, या आपके पाँव चलेंगे, या टिक टिक करोगे, या फिर मोबाइल चेक करोगे, बार बार रखोगे। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो आपकी पर्सनालिटी तो अट्रैक्ट नहीं होने वाली, बल्कि लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। जब भी आप कन्वर्सेशन करें, कोई बात करें, तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने आप को बांध के रखिए। थोड़ा सा बांध के रखने का क्या मतलब है, आपके हाथ पाँव ऐसे नहीं चलने चाहिए कि किसी को दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उंगलियाँ नहीं चलानी चाहिए, तो कई बार बोलता भी हूँ कि आप खाली भी बैठे हो तो आपकी उंगलियाँ चलनी चाहिए, कैसे पाँव की, जैसे आप सूच पहने हो, और अगर आप अपनी पाँव की उंगलियाँ नहीं चला रहे हो तो आपके अंदर जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो कम हो सकता है। तो क्या करिए, कई बार क्या होता है, आप लोगों को सिखाया गया होगा स्कूल में, या प्रेयर करते हैं, या कई लोगों को चक्कर आके गिर जाते हैं, है ना, क्यों आते हैं, क्योंकि आप पाँव की उंगलियाँ नहीं चलाते। पाँव की उंगलियों को चलाते रहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपकी उंगलियाँ चल रही हैं, टेबल बजा रहे हो, आप पाँव ऐसे हिला रहे हो, सामने वाले को दिख भी रहा है, कई लोग ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं पाँव, तो ये क्या होते हैं, बैड मैनर्स होते हैं। आप अच्छे कम्युनिकेटर करना चाहते हैं, सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इन चीज़ों को थोड़ा बांध के रखिए। हमें पता है हमारी बॉडी शांत नहीं रह सकती, अंदर से बच्चे हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हरकतें, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले को कुछ दिख जाए, सामने वाले को ये ना लगे कि हम बात कर रहे हैं, आप ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसे करते रहते ना कुछ लोग, और कई लोगों को मैंने देखा कुछ मिल जाए, जैसे कुछ को घुमाते रहेंगे, कुछ नहीं पेन लेते ना, पेन को ऐसा करते रहते, देखा आपने उसका वो होता है क्या, हाँ उसको चटकाते रहे, खोलते रहते, बंद करते रहते, ये रियल प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है, होता है सर, हाँ आप उसको पता नहीं होगा तो बॉटल लेके उसका ढक्कन खाते रहेंगे। ओके, मैंने ये चीज़ क्यों बताइए, ये रियल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है ना, आप लोग रियल है और आप लोग डेली फेस करते हो, लेकिन आप सोचते हो सर हम आप मतलब सामने वाले को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते कि सामने वाला, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि आप क्या करो पेन को कर, मैं तो टीचर हूँ चलो बोल भी सकते हैं, लेकिन आप एक किसी स्ट्रेंजर से मिलने गए, नए इंसान से मिलने गए, और आप उसके सामने मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग करते करते आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, हाथ पाँव चल रहे हैं, आपके पेन खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सामने वाला आपसे बोलेगा तो नहीं, लेकिन जो काम है आपको वो नहीं करेगा, समझ गए। इसलिए सिंसियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कम्युनिकेशन, समझ गए। इसलिए मैंने आपको खड़े होने की सिचुएशन भी बता दी कि खड़े हम कैसे होते हैं, कई लोग खड़े ऐसे भी हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, है ना, ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन अच्छा है, ये ओवर कॉन्फिडेंट कर जाता है, क्या कहता है, ओवर कॉन्फिडेंट इकोनॉमिक यूज करता है, मैं बताता हूँ, ये सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकर ही यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर होते हैं वो सबसे ज़्यादा ये स्टाइल यूज करते हैं, पोडियम के साइड पर खड़े होंगे, उनका एक हाथ ऐसा रहेगा और वो कृष्ण भगवान की मुद्रा में ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंट की निशानी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फिडेंट होता है ना वो यूज करते हैं ये लोग। आप लोगों ने सोनू शर्मा का नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा स्टाइल उनकी है, राइट, कभी सोनू शर्मा सबसे ज़्यादा वो ऐसे ही खड़े होंगे, कभी भी हाई डियर फ्रेंड्स ऐसे खड़े होते हैं, देखा आपको ने कभी भी सामने नहीं खड़े होते, वो ऐसे खड़े होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारे लिए रिस्पेक्टेड भी है, तो मेरे कहने का मतलब है कुछ स्टाइल जो होती हैं वो नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन उससे इम्प्रेशन जनता है, अगर आप ऐसे खड़े होना चाहते बहुत अच्छा है, बट उतना कॉन्फिडेंट ले आइए, मैं ऐसा खड़े हो जाऊँगा तो थोड़ा सा हमारी बातों पर कम हम पे ज़्यादा फोकस करो, सर कैसे खड़े हैं, कैसे सर कैसे खड़े हैं, बुरा नहीं है ये सिचुएशन बुरी नहीं है, बट ऐसे में क्या होगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है तो उसको जवाब देना आना चाहिए, समझ रहे हो,
कुछ जो चीज़ें हैं हम लोग डेली करते हैं बस पता नहीं होता कि ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है। मैंने चार पांच चीज़ें अभी गलतियाँ बताई आपको कि ऐसी गलती कम नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करते हो तो आपके जो पसंद करने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, चलो हम पब्लिक स्पीकिंग को छोड़ देते हैं और कम्युनिकेशन को भी छोड़ देते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपने रिलेशन में बात करना है, ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं ना उनका तो हमसे बात करना है।